ज्योतिष के इस महासागर में आपका स्वागत है। हम अपने वीडियोस द्वारा प्रयास कर रहे हैं कि आप अपनी जन्म पत्रिका का स्वयं विश्लेषण कर सकें, आप जान सकें अपने जीवन को स्वयं अपने ही माध्यम से, इन वीडियोस के माध्यम से। मैं चाहता हूं आप अपनी जन्म पत्रिका खोलें, देखें यदि आपकी जन्म पत्रिका के प्रथम खाने में नंबर 1 लिखा है और यहाँ पर राहु लिखा है, तो यह वीडियो आपके लिए जरूरी है। राहु का लग्न के अंदर प्रभाव होना, मेष राशि के अंदर प्रभाव होना, जीवन में एक प्रारब्ध स्थिति को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि आप अपने जीवन के अंदर एक निष्ठुरता लिए हुए होंगे या अपने हित में सफलता प्राप्त करने के लिए जटिल और गुप्त नीतियां अपनाएंगे। राहु हो, लग्न के अंदर हो, मेष राशि में हो, तो यह आपको बहुत अधिक स्ट्रेस, मानसिक रूप से चिंतित या संवेदनशील बना सकता है। माइंड वेव्स कई बार यहाँ पर आपकी लाइफ में अनकंट्रोल्ड होंगी। कई बार ऐसा भी होगा कि आप मी फर्स्ट, सबसे पहले मैं, मेरे लिए क्या, जैसी आदतों या विचारों के शिकार हो जाएं। कभी कभी आप अकर्मण्यता के भी शिकार हो सकते हैं। आपको यहाँ पर कभी कभी जीवन में विरक्ति का अनुभव भी होगा, जीवन की व्यर्थता भी पता चलेगी, और ये तभी होगा जब आपके जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जहां पर आप अपने आप अकेले छोड़ दिए जाएं। इस अकेलेपन में ही आप अपनी खोज करेंगे। मानसिक तौर के ऊपर आपको अपने इमोशंस को संभालने की बहुत बड़ी आवश्यकता होगी। ये आपको चिड़चिड़ा बना सकता है, लेकिन चालाक बना सकता है। राहु ही वह ग्रह था जिसे मालूम था कि अमृत कहाँ है, तो आपको अपना हित तो मालूम ही है, लेकिन ये आपको असंवेदनशील भी बना सकता है, बहुत हद तक स्वार्थी भी बना सकता है। आपको दंत चिकित्सक के पास जाने की बार बार जरूरत पड़ सकती है, या मानसिक रोग होने की संभावनाएं भी आपके जीवन में बन सकती हैं। राहु की पंचम दृष्टि, पंचम भाव पड़ने से आपको आंतों की शिकायत होगी, या विषाक्त भोजन खाने से अस्वस्थता हो सकती है, या किसी ना किसी प्रकार से आपको उदर रोग का सामना करना पड़ सकता है। पंचम भाव पर राहु की दृष्टि है तो आप अपने जीवन में गुप्त नीति भी अपनाएंगे और आप दूसरों की मन की बात भी बहुत सरलता से जान लेंगे। विद्वता की कमी नहीं रहेगी। नए से नए फैशन, नए जमाने की टेक्निक्स, क्लब्स आदि से आपका संबंध बना रहेगा। आपकी संगति से आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। राहु के कारण ही संबंधों में गलतफहमियां होंगी, मित्रों से कलह होगा और लोग आपके इसी गोपनीयता का फायदा भी उठा पाएंगे। आप जितना अपने आप को रिजर्व रखने की कोशिश करेंगे, आप उतना ही ज्यादा परेशान हो सकते हैं, और ओपन होने से तो निश्चित ही। अतः आपको अपने जीवन में दूसरों से संबंध स्थापित रखने में एक विशेष सावधानी अपनानी होगी। राहु की सप्तम दृष्टि भी सप्तम पे पड़ रही है, जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। जीवन की दैनिक जीवन के कार्यकलापों में भी आपको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, या जीवन पूर्ण रूप से खुलकर आपके सामने नहीं आएगा। यह एक प्रारब्ध युक्त जीवन भी रहेगा। संपत्ति में वृद्धि होगी, साहसिक कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप गर्व के कारण, कहीं ना कहीं आप अत्यधिक अपने ज्ञान के कारण, मी फर्स्ट एप्टीट्यूड के कारण आप अपने आप को नुकसान पहुंचा पाएंगे। शिक्षा में कुछ बाधाएं रहेंगी। भाग्य के कारण जीवन में एक बार आपको मान हानि, पद से हटाए जाना जैसे योग भी बन सकते हैं। उसके बाद आपको जीवन पुनः प्रारंभ करना पड़ेगा। पिता से सुख आदि के अंदर भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके पिता आपको जीवन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने आप को पीछे हटाएं, या आपके सामने ऐसी चुनौतियां आए जहां पर स्वयं आपको बिना किसी मदद के अपने आप ही अपने जीवन के रास्ते को खोजना पड़े। यह रहस्य का ग्रह है, यह तंत्र का ग्रह है। इसी तरह की वीडियोस जानने के लिए, इसी तरह से इस ज्योतिष को सीखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो हम आपके लिए बनाते हैं ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों के सार से। थैंक यू, नमस्कार।